नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, रात के रक्षक डोगा के इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ये शादी होकर रहेगी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। लानोवाला के भव्य श्री राम मंदिर में उस खूबसूरत युगल की आंखों में भविष्य के सुंदर सपने थे, क्योंकि आज दोनों प्रेम के उस प्रगाढ़ एवं अटूट बंधन में बंधे जा रहे थे, जिसे समाज में शादी का नाम दिया गया है। ये युगल था हेमंत रेगे और दीपा कासरे, एक दूसरे को वरमाला पहना बच्चों। लेकिन ये कैसी शादी थी जिसमें ना कोई रिश्तेदार शरीक था, ना दोस्त मित्र, ना शिरकत थी किसी हमदर्द की। शिरकत हुई चीख की, तड़ाक, हेमंत उफ। सुनसान मंदिर में शादी करनी हो तो जेवर पहनकर नहीं आना चाहिए, नहीं तो डंगर आ जाता है। नहीं उफ, छोड़ दो मुझे। तो भूल गया डंगर, धड़ भड़ाक के सुनसान इलाके में तुझ जैसे गुंडे मवाले और लुटेरों को भी नहीं आना चाहिए। धम, नहीं तो डोगा आ जाता है। तड़ाक, डंगर डोगा का इंतजाम भी करके रखता है। ठा हम्फ। डोगा जानता था कि डंगर जैसे गुंडों के सिर पर चढ़ा गुंडाई का भूत कैसे उतारा जाता है। साय साय धड़। डंगर भी आज अपनी मर्जी चलाने की जिद पर अड़ा था। साय धड़। डोगा की मनसा को वो भी समझ रहा था। डंगर डोगा को प्रहार करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। साय साय, ये जितनी तेजी से सिर को घुमा रहा है उतनी ही तेजी से मेरी हरकतों को भी देख रहा है, तभी वहीं पर प्रहार करता है जहां ये करना चाहता है। हेमंत हेमंत, तुम ठीक हो ना? उठो हेमंत, अभी तो ठीक है मगर अब ठीक नहीं रहेगा। उसे बचाने के लिए मुझे फौरन ही कुछ करना होगा। डोगा ने आज जाना कि पूजा की थाली किसी और भी काम आ सकती है। थंक अक। डोगा को वार बचाने भी थे और वार करने भी। टन तड़ा। डोगा को जिस अवसर की तलाश थी वो इसे मिल चुका था। पहले तेरी चुटिया ही काटता हूं। धाय क्लच। डंगर को अपना सिर हल्का हो गया महसूस हो गया था, मगर वो एकदम से सिर घुमाना नहीं रोक पाया था। साय साय, सिर घुमाना बंद कर दे डंगर। आ, क्योंकि डोगा की मार खाकर अब तेरा सिर बिना घुमाए ही घूमेगा। साय धार। डोगा के हाथ अभी शायद और चलते और डंगर की कई हड्डियां शायद अभी और टूटती, तभी पुलिस की सायरन बज उठती है। लेकिन पुजारी पुलिस लेकर आ पहुंचा था। अरेस्ट देम। हेमंत होश में आओ, ये तो काफी घायल है, इसे फौरन अस्पताल ले जाना जरूरी है। इस खबर से कासरे फैमिली में उत्तेजना फैल गई थी। क्या डंगर पकड़ा गया? उसने अपना काम पूरा किया या नहीं? नहीं, डोगा बीच में आ गया। ओह, फोन डिस्कनेक्ट हुआ। बबलू कासरे के स्वर में खासी नफरत थी। पापा, दीपा कहाँ है? कहीं वो नहीं? बबलू, ऐसा नहीं हुआ। डंगर ने एन वक्त पर पहुंचकर हेमंत को बुरी तरह से घायल करके उसकी शादी तो रुकवा दी है। फिर इससे पहले कि लूट के बहाने वो इसे मार डालता, वहां डोगा ने अचानक पहुंचकर सारा काम खराब कर दिया। इस वक्त हेमंत मॉडोक अस्पताल में बेहोश पड़ा है। दीपा उसके पास ही है और डंगर अपने आदमियों सहित पुलिस हिरासत में है। ये सब आपकी वजह से हुआ है पापा। अगर आप डंगर के बजाय मुझे वहां जाने देते तो वो कमीना हेमंत अस्पताल तो पहुंचता, मगर इलाज करवाने के लिए नहीं, बल्कि पोस्टमार्टम के लिए। मेरी बहन से शादी करने की कीमत उसे अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ती। उससे तीन नुकसान होते। हमारी बेटी और तुम्हारी बहन दीपा हमसे नफरत करने लगती। दूसरे, तुम पकड़े जाते। तीसरे, हमारा राजनीतिक करियर तबाह हो जाता। इसलिए हमने डंगर को भेजा था ताकि ये लूटपाट का मामला लगे, मगर डोगा ने बीच में पहुंचकर सारा खेल खराब कर दिया।
अच्छा, सिर्फ ये हुआ कि शादी रुक गई। वो कमीना हेमंत जिंदा तो अभी भी नहीं रहेगा, लेकिन उससे भी पहले हमें दंगल को छुड़ाना होगा, क्योंकि अगर वो पुलिस की हिरासत में रहा तो कहीं हकीकत ना बयान कर दे। उसकी जमानत का इंतजाम करो, और ध्यान रहे, जमानत कल हर हाल में हो ही जानी चाहिए, क्योंकि कल नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। अब या तो उसे जेल मिलेगी या जमानत, क्योंकि एसपी आनंद सोराठे कल ट्रांसफर होकर आ रहा है, और सुना है कि वो किसी की जमानत नहीं होने देता। डंगर जैसे गुंडे मवालियों की जमानत पूरे मुंबई में सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है। तभी एक कार सवार अपनी कार को चलाते हुए जाता है और वो बैरियर से जाकर के टकरा जाता है। खड़ा, गर, क्रिंच, खनाक, खनाक। हम्फ, नहीं, ओ, स्क्रिंच, छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दो माडलोई भाई। इस पर्चे को देख और बता कि ये क्या है। कोर्ट का सम्मन किसके नाम? तुम्हारे। क्यों? मैंने एक आदमी को चाकू मारकर घायल कर दिया था और पुलिस ने मुझे जेल भेज दिया था। मैं जेल से तभी छूट सकता था जब कोई आदमी आकर मेरी जमानत लेता। जेल से छूटने के बाद मुलजिम का गुनाह कम नहीं हो जाता, सजा निर्धारित होने तक उस पर मुकदमा चलता रहता है और कोर्ट में हाजिरी देनी होती है। इसके लिए उसे कोर्ट एक स्मरण पत्र भेजता है, जिसे सम्मन कहते हैं। ऐसा ही एक सम्मन कोर्ट अभियुक्त के जमानती को भी भेजता है, ताकि कोर्ट का सम्मन मिलने पर भी अगर मुजरिम अपने आप कोर्ट में हाजिर नहीं हो तो उसकी जमानती लेने वाला जमानती उसे कोर्ट में पेश करे, और जमानत लेता है कोई जान पहचान वाला। मेरा चूंकि कोई जान पहचान वाला नहीं था, इसलिए मुझे जेल से छूटने के लिए तुम्हारी जमानत की जरूरत पड़ी, क्योंकि तुम्हारा तो धंधा ही मुझ जैसे लोगों की जमानत कराकर पैसा कमाना है, इसलिए ये संबंध तुम्हें भी मिला है। बिल्कुल ठीक बोला तू, 50,000 रुपए की एवज में तेरी जमानत अपुन ले ली है। तुझे जेल के नरक से अपुन छुड़ाया है। तुझे मुकदमे की तारीख पर कोर्ट में पेश करने की ड्यूटी अब अपुन की है। तेरी तारीख कल है और तू आज रात फरार हो रहा है। अगर तू फरार हो जाता तो अपुन की जमानत जब्ती हो जाती। तुझे कोर्ट में पेश ना कर पाने की सजा के रूप में मुझे 50,000 रुपये जमा करवाने पड़ते। तड़ाक, ओह, अपुन का धंधा तो चौपट हो जाता तो अपन का धंधा चौपट करवाएगा। मांडलोई भाई का धंधा चौपट करवाएगा तू। अपन जिस मुजरिम के जमानत लेता है वो दुनिया छोड़कर तो जा सकता है, पर मुंबई छोड़कर नहीं। धड़, आ, तोड़ दो इसकी टांगे। धड़ा, धड़। इधर मांडलोई बोलता है, ओह कासरे साहब, दे दूंगा, जमानत दे दूंगा। आप उनका सारा धंधा ही यही छे। क्या नाम बोला? डंगर। ठीक है, अपने वकील को कोर्ट भेज देना, अपन पहुंच जाएगा साहब। डंगर की जमानत देगा अपन। मांडलोई की जमानत डंगर को मिल गई। तो मेरी जमानत पर रिहा हुआ है डंगर। फरार होने से पहले मांडलोई की सूरत याद कर दियो। अब घर जा, बेफिक्र रहो मांडलोई भाई, मेरे कारण तुम्हारी जमानत जब्त नहीं होगी। मोनिका सूरज के साथ उस समय एक रेस्तरा में थी। ओह गॉड, ठीक है, मैं पहुंचती हूं। क्या नाम बताया तुमने हॉस्पिटल का? मॉर्डोक हॉस्पिटल। ओके, क्या हुआ? मेरे कॉलेज के समय की सहेली है दीपा, उसके मंगेतर की जान खतरे में है और वो मुझसे तुरंत मिलना चाहती है। सूरज दीपा और हेमंत को देखकर चौंका। अरे, ये दोनों तो वही हैं जिन्हें कल डोगा ने डंगर से बचाया था। ये लड़की दीपा मोनिका की सहेली निकली। दीपा, ये सब कैसे हुआ? हाँ, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। आवाज सुनकर हेमंत की निगाहें उस ओर घूमी।
अरे सोराठे, तू मुंबई कब आया? थोड़ी देर पहले आते हैं ड्यूटी का चार्ज लिया और तब तेरे बारे में पता चला। पता चलते ही सीधा यहीं चला आया। यहां आकर पता चला कि तू शादी कर रहा था। ये कैसी शादी थी यार? यारों दोस्तों को भी नहीं बुलाया? दरअसल यार, दीपा के पापा अर्जुन कासरे राजनीतिक पहुंच वाले शख्सियत हैं। वो इस शादी के खिलाफ थे। अगर हम इस शादी को लीक करते तो खबर उन तक पहुंचने का डर था। मोनिका, मिल गया तुझे भी अपने प्रश्न का जवाब। तेरी शादी के एन वक्त लुटेरों का हमला तुझ पर हुआ और हमला करने वाला था डंगन। डंगन का इतिहास मैंने मालूम किया है। वो कोई मामूली लुटेरा नहीं है। अंडरवर्ल्ड में अच्छी पैठ है उसकी। मुझे यह मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है हेमंत। कहीं ये तेरी हत्या की कोशिश का मामला ना हो? तुझे तो खामाखा शक हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो डंगर तो कल बच गया था, मगर अब वो डोगा के हाथों से नहीं बचेगा। जब तक हेमंत ठीक नहीं हो जाता, तुम मेरे पास रह सकते हो। दीपा, तुम घबराओ नहीं हेमंत। तुम्हारी शादी दीपा से ही होगी और हम सब उसमें शरीक होंगे। डंगर के लिए मुश्किल क्षण थे। डंगर, मैं बबलू कासरे बोल रहा हूं। तुम जितनी जल्दी हो सके यह शहर छोड़कर कहीं चले जाओ, क्योंकि नए एसपी सुराठे को हेमंत पर हुए हमले पर संदेह हो गया है। अपना शक मिटाने के लिए वो सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ेगा। मैंने सुना है कि वो जिसके पीछे पड़ जाता है उसके खिलाफ ऐसे चार्ज या सबूत लगाता है कि फिर उसकी जमानत नहीं होती, या पहले हो चुकी हो तो वो रद्द हो जाती है। इस लड़की ने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। बबलू, तुम दीपा को अपने विश्वास में लो और उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसकी शादी हेमंत रागेश के साथ करवाने में उसका साथ दोगे। इसका लाभ ये होगा कि भविष्य में इस संबंध में कोई भी फैसला करने से पहले तुम्हारी राय अवश्य लेगी। ये बात हमारे हक में होगी बेटे। ठीक है पापा। डंगर शहर छोड़ने के चक्कर में था। शहर से निकलने के लिए मैं बेस्ट बस का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि हम जैसे लोगों से बस की सवारी की उम्मीद दुश्मनों द्वारा नहीं की जाती, और वो हमें कारों इत्यादि में ही ढूंढते हैं। टिकट प्लीज। तुम मांडलोई? हाँ मैं, क्योंकि अपुन ने तेरी जमानत ली है, और मांडलोई जिसकी जमानत देता है वो दुनिया छोड़कर तो जा सकता है मगर मुंबई छोड़कर नहीं। इसलिए मैं तेरा टिकट काटने के लिए कंडक्टर बनकर बैठा हूं। तड़ाक! तूने इस बस में आकर गलती कर दी मांडलोई। इस बस में सारे मेरे ही आदमी बैठे हैं। तुम्हारी तरफ से मुझे डर था, इसलिए मैं पहले ही ऐसी प्लानिंग बनाकर चला था। डर तो मुझे भी तेरी तरफ से तेरी फरारी का था, इसलिए मैं भी ऐसे ही प्लानिंग बनाकर इस बस में बैठा था। जरा देख तो, ये तेरे आदमी है या मेरे? मेरे आदमी कहाँ गए? वो बिना टिकट बस में चढ़ गए थे। मेरे आदमियों ने उन्हें बस से नीचे उतार दिया। धर! नहीं, उफ! याद रखना डंगर, जब तक तेरी जमानत मैंने ले रखी है, तू मेरे मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकता। तर! डंगर पलटा तो उसके दांतों में एक पिन फंसी थी और हाथों में मौत। मांडलोई, देख तेरे दांतों में, मेरे दांतों में क्या फंसा है? पहचान गया ना? ये सेफ्टी पिन है, और मेरे हाथों में ग्रेनेड है जिसका सेफ्टी पिन निकल चुका है। जल्दी से समझ जा कि ये बम कितनी देर में फट जाएगा। खनाल! अब तू अपने आदमियों के साथ बेस्ट में ही मरेगा। मांडलोई बुरी तरह से बौखलाया। वहां मौजूद प्रत्येक चेहरे पर मौत की छाया मंडरा गई। बस को त्रिविक्रम ब्रेक लगे। दुर्भाग्य, ड्राइवर की तरफ का दरवाजा भी नहीं खुला। बस से नीचे उतरने के लिए दोनों दरवाजों पर भगदड़ मची, और पहले मैं की होड़ में सभी फंस गए। बम को उठाकर बाहर फेंको। सबकी मौत निश्चित हो गई थी। और ये कुत्ता क्यों आत्महत्या पर उतारू है? कु कु कुत्ते ने बम को मुंह में दबाया। कु कु और जैसे अंदर आया था वैसे ही बाहर चला गया। बाहर एक जोरदार धमाका हुआ।
बुम छना छना, वो कुत्ता किसका था मांडलोई भाई? मेरा। डुडुगा तुम? ओह अक, हाँ मैं। तुम्हारा काफी नाम सुन चुका था, तुमसे मिलने की इच्छा थी, आज अचानक पूरी हो गई। अगर तुम मेरे बारे में जानते हो तो मेरे आदमियों पर गोलियां क्यों चला रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं कि इन सब के पास इन हथियारों के वैध लाइसेंस हैं। इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं, इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में। तो मिलते हैं पार्ट टू में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जहां जरूरत हो तो इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।